हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जायका वैली। मैं हमेशा आफ्ताब अहमद और मैंने बाली उतार के ये पहन लिया। उस दिन वली में मैं गई थी तो ये अच्छा लग रहा है अपने मुझसे अच्छा लग रहा है। और सुबह के बज रहे हैं 9:15, झड़पुछा हो गया भाई साहब, झड़पुछा हो गया, खाना पीना भी हो ही रहा है। आइए, मैं खा रही हूँ स्प्राउट, रख दिया भाई साहब स्प्राउट सब उसे खा लो। और यहाँ पे मम्मी मेरी लेटी हुई है, इनकी तबीयत डाउन। और इधर चल रहा है रंगों का त्योहार कार्टून। और यहाँ पे बैठे हैं दोनों लोग की तबीयत है खराब, बुखार चढ़ा चढ़ा बैठे हैं दोनों के दोनों। हाय अरहम, हाय कैमरा। और आज ये लेट है क्या? मेरी तबीयत डाउन हो चुकी है, बैठ नहीं पा रही। पानी, ये चना, काला चना और हरी मूंग खड़ी, दोनों को दो दिन पहले भिगो दिया था और जब फूल गए 7-8 घंटे बाद पानी निकालू तो फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा फूल गया। और इसमें मैंने डाला दही और नमक। आप इसमें अपने अगर टेस्ट के हिसाब से खाना चाहें चाट मसाला थोड़ा डालें, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट। सुबह सुबह इसको ज़रूर खाएं, बहुत फायदा। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। ओके, अभी सिस्टर आ गई तो अभी मैं बनाऊँगी चाय, फिर मिलते हैं आपसे। और बज गया है 10:45, अब बन गई है चाय। चलो तुम इधर बैठो, डब्बे डुब्बा में नहीं कुछ भरना है। हाँ, मैं बिस्किट के लिए एक डिब्बा आता था, बिस्किट वैसे ही पैकेट में हमारा आ जा रही है तो उसमें डब्बे मिले जाना जिसमें। और यहाँ बन गई है चाय। ये सब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और हम लोग खाने जा रहे हैं चाय और टोस्ट। चाय टोस्ट खा लो फिर मिलते हैं। आराम में पानी आ रहा है, आराम के मुंह में पानी आ रहा है। वो देखो ऐसा कर दो। मेरा सोना सा बेटा, तो अभी हम आपसे मिलते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, बनाने जा रही हूँ लड्डू अरहम के लिए। कल इनको, अरे दूध भाग गया, दूध भाग गया, भाग गया लड्डू। इससे पहले मैंने बनाया था बेसन का लड्डू, लेकिन अभी मैं आज बनाऊंगी मूंग बेसन और चना बेसन का मिक्स करके लड्डू, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मिलते हैं डायरेक्ट उसी टाइम पर, ठीक है? तो अभी बजने वाले हैं 1:15 बाकी और मैं आ गई किचन में। और मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, जो मैंने पहले बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि मैं बेसन और मूंग के बेसन को मिला के बना रही हूँ। तो मूंग बेसन कैसे बनाया, मूंग पीली वाली मूंग को मैंने यहाँ पे पीस के ले लिया। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये पीली वाली बेसन को मैंने पीस लिया ग्राइंडर में, खूब अच्छा बारीक, हल्का सा ये दरदरा मिलेगा आपको। और यहाँ पे ये बेसन, दोनों की क्वांटिटी, बेसन थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को ग्राइंड कर लिया, आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने चीनी को भी बारीक पीस लिया है। और यहाँ पे इलायची पाउडर भी मैंने बना लिया है डालने के लिए फ्लेवर, आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरी बड़ी कढ़ाई वापस चढ़ गई है, और ये कढ़ाई मेरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गर्म हो चुकी है। मैंने ऑन कर दिया था गैस ताकि गर्म हो। और यहाँ पे लेंगे देसी घी, ये 2-3 बड़े चम्मच जाएगा। ये बन रहा है अरहम के लिए, ठीक है? घी देखिए जाते ही एकदम गर्म हो चुका है। और इससे पहले मैंने बेसन का लड्डू बनाया था और तिल का लड्डू, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। घी एकदम गर्म हो चुका है, इसी घी में पहले मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर, पूरा फ्लेवर आ जाएगा बढ़िया। और दोनों ही बेसन को हमें साथ में ही डालना है,
ऐसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसको तब तक के लिए हमें भूनना है जब तक कि इससे बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, मतलब एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे तब तक कि हमें इसको भूनना है। और घी अगर आपको कम लगता है इसके बाद में तो आप थोड़ा सा घी यहाँ पे डाल के सकते हैं, अगर सही है तो नहीं डालें, पहले तुरंत ना डालें, पहले इसको अच्छे से भूनें, क्योंकि जब इसकी भुनाई होती है तो घी भी निकलता है बाहर, छोड़ता है घी ना। इस तरह से मैश करते करते आप इसको भुनेंगे, भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसको जब तक कि कच्चा रहेगा तो बाद में वो ख़राब हो जाएगा, फफूंदी वगैरह लग जाएगी और टेस्ट वो नहीं आएगा जो चाहिए, तो इसलिए इसको की भुनाई काफ़ी जरूरी, बस भून गया समझ लो लड्डू तैयार, ठीक है। और इसको मीडियम फ्लेम पे हम भुनेंगे, ना बिल्कुल लो ना बिल्कुल हाई, मीडियम वाला फ्लेम लेंगे और उसी पे इसकी भुनाई करेंगे। घी भी यहाँ पे परफेक्ट है, घी कम नहीं, अगर लास्ट में मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में लास्ट में भुलाऊँगी, ठीक है। अब हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक ये बढ़िया भुना हो जाए, खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा भून चुका है, हल्का सा ब्राउन हो गया है और ये बिल्कुल इस तरह से हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे एक थाली में या गमले में, आप इसको बड़े से निकाल लीजिए जिसमें कि मिक्स करते बने। तुरंत गरम गरम नहीं करना भाई, नहीं तो आज हो जाएगा। मेरे पहले जब मैंने बेसन का बनाया था ना, उसमें आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि किस तरह से हाथ मेरा जलते जलते बचा, ठीक है। और ये मैं रख देती हूँ इधर ताकि दिखाई दे, कढ़ाई ना छूएगा तो मुझे पता चला ना हालत खराब हो जाएगी। तो ये है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद में हम इसमें चीनी और ये ड्राई फ्रूट मिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं पंखे में, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी आप देख के मिलाइए कितनी इसकी ज़रूरत है, बहुत मीठा तो नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से मिक्स करें और इसको डाल देंगे सर, इसमें भी घी जाएगा, इसमें भी घी की ज़रूरत है, इस तरह से करके मिक्स करें। बहुत ही हेल्दी है इसमें मूंग दाल, सभी को पता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन होता है। ड्राई फ्रूट आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ काजू बादाम डाला, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट जैसे ग्राइंड करके या फिर बारीक काट के जैसा चाहे वैसे डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी कि मीठा इसपन इसका कितना है, परफेक्ट सही है। ये तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, ये लगभग एक चम्मच के जितना मैंने फिर से डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसके साथ मैं डालूँगी इसमें घी, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है, इतने में तो आपका लड्डू बनेगा नहीं, सवाल ही नहीं कि आपका लड्डू बन जाएगा, पंजीरी टाइप है। पंजीरी बना लो, मिक्स हो गया। अब हम इसमें घी डालते हैं, बड़े चम्मच गया, अब इसको भी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें आराम से आपका लड्डू बन जाएगा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बहुत हेल्दी है। आप अगर डेली एक लड्डू सुबह सुबह खा के दूध पी लीजिए, देखिए परफेक्ट, ठीक है ये। और साथ अच्छा मेरा फेवरेट चांदी का वरक मैंने ले लिया है, चांदी के वरक के बगैर तो लड्डू तो कोई काम का नहीं। मम्मी पीछे से झांक रही है हाँ, और इनको लालच भी आ रही, थोड़ा सा लेके रखूँ चक्कर, ये मेरा चांदी का वरक, इसको मैं बड़ी कायर से सहेज के रखती हूँ, ये हो गया, बिना हाथ लगाए तो कोई काम नहीं हो सकता, ये होता है मिक्स। और गरम बहुत है, ठीक है। अब इसमें से हम लेंगे
जितना बड़ा आप लड्डू बनाना वो साइज ले सकते हैं। इस तरह से राउंड राउंड करके हल्का सा गर्म है तो उतने में अच्छे से बन जाएगा, और ठंडा होने पे ना बने, इतना हो कि आपकी हथेली सह सके इतना। परफेक्ट से ठीक है, ये लड्डू बन के रेडी बनाने रही। तो बस अब इसी तरह से इतने ही बड़े बड़े लड्डू मैं बना के सारे रेडी कर लूंगी, और उसके बाद सब पे मैं एक एक करके चांदी के वर्क लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं ये लड्डू रेडी कर लूँ। देखिए बाकी सब तो मैंने बना लिया है, ये थोड़ा सा और बचा है। इस तरह से टाइट हाथ से बनाना है, बहुत ही यमी और टेस्टी भी लगता है, हेल्दी भी है। तो ये काफी, जब हाथ भी इस तरह से जम जाए तो आप एक स्पून की हेल्प से या चाकू की हेल्प से इसको हटा दें, क्योंकि उसको फिर लड्डू बनाने में ना फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए। खैर हो ही गया, बन गया। लास्ट में दोनों हाथ छोटू सा लड्डू, छोटू बेबी का छोटू लड्डू बनके रेडी। अब मैं थोड़ा हाथ धो लूं, फिर ये मेरा चांदी का वर्क। अब इसमें से ना मैं थोड़े थोड़े लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि ये पूरा तवे पे है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लग जाएगा और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। किसी भी मिठाई में अगर आप चांदी का वर्क लगा देते हैं ना तो मजा ही आ जाती है, भले ही वो थोड़ा ही थोड़ा क्यों ना लगा रहे। जब हम लोग जाते हैं मिठाई लेने हलवाई के यहाँ तो बोलते हैं ना, भैया वो वाला देना जो उस पर लगा हुआ चांदी का वर्क। सही बात है, इतना ज्यादा ये मुलायम रहता है ना कि टूटने ही लगता है। देख बर्फी बर्फी पे आप सीधा ऐसे ही लगा दीजिए, और लड्डू पे तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और हम आ गए, लड्डू खाएंगे। बस हम सब पा जाते हैं पैर ऊंचा करके, और इनसे हर चीज को छुपाना बचाना पड़ता है, और सुबह से पेन लेके टहल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। अरहम आपने पढ़ाई किया क्या? अरहम छोटू, अरे अभी तो लग जाएगी चोट, ऐसे में पूरा लगा ले तो लगी गया लग। तो ये मेरा लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है अरहम के लिए। ये लड्डू अरहम खाएंगे, अरहम आ रहे पीछे से ये रहे। और इसकी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाइए, लेकिन मैं हमेशा रखती हूँ चांदी का वर्क, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हर चीज पे मीठे पे, जैसे मुझे आप भी ना। तो अभी बज गया है बहुत ही ज़्यादा लेट, अभी बज गया है बहुत ही ज़्यादा लेट, दो बज रहा होगा ना? नहीं, अभी दोपहर का अजान हुआ है तो इसका मतलब 1:15 बज रहा है। अभी इंतहा धूप है, ये देखो कपड़े सूख रहे हैं, और हम खा मम कर रहे हैं अपना लड्डू। तो भाई साहब अब मैं जा रही हूँ नहाने, इसलिए मैं नहाई नहीं थी कि पहले मैं बना लूँ किचन में से फ्री होके, क्योंकि मुझे पता था बहुत ज़्यादा गर्मी है और पसीना बहुत होगा, नहाना बनाना बेकार, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं फ्री हो जाऊँ फिर मैं नहाती हूँ आराम से। ठीक है, और मुझे अभी जाना है कहाँ? ससुराल। हाँ अभी जाना है शाम के टाइम में, तो वहाँ का वीडियो नहीं ले सकते है ना, तो मैं ज़रूर बनाती लेकिन वहाँ का नहीं ले पाऊँगी, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। 2 बजे अभी खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ नाश्ता वही किया है, तो
अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद में फिर मेरे नहाने के बाद मम्मी नहाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे लंच, यानी कि ढाई दो ढाई तो बज ही जाएगा। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं आपसे। इतना कादे से निकलो। तो अभी हो गए हैं 3 बज गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल। और यहाँ पे अरहम और आप सब रेडी हैं? अरहम तो एकदम आफत किए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे बाद में। हाय, तो आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने कुछ भी फिर उसके पास में शूट नहीं किया, आई लेट। और अभी मैंने बालों में कुछ टाइम पहले मेरे बाल देखो कितने कम हो गए, तो मैंने इसमें लगाया है प्याज, दो प्याज के रस को मैंने ग्राइंड, मतलब प्याज को ग्राइंड कर लिया, साथ में मेथी और उसके पत्ते, करी पत्ता के 15-20 करी पत्ता के पत्ते और दो प्याज, मीडियम साइज प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया, उसका जूस निकाल लिया। उसमें फिर मैंने मेथी पाउडर 2 चम्मच डाला और 2 विटामिन ई की कैप्सूल के सिरप मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दिया था कि मेथी थोड़ी फूल जाए, उसके बाद मैंने इसको लगा ली। मुझे लगाए हुए अभी आधे घंटे के आसपास हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और इसको वॉश करने और फिर मिलते हैं। तो मैंने नहा लिया, काफ़ी टाइम पहले ही नहा लिया था, अभी 2:30 बज रहा है और अभी लंच हो गया, लंच करके बाकी के जो उसके बर्तन वर्तन धो जाके अभी मैं आई फ्री। और मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बालों में शाइनिंग भी आ जाती है, ये आप देख रहे हैं बालों में, ये बिल्कुल कुछ भी इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं है, बालों में इसमें शाइनिंग भी आ जाती है, आप देख रहे हैं बिल्कुल कुदरती शाइनिंग। करी पत्ता, मेथी के दाने के वो सब सारे ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे बालों के लिए, स्कल्प्स के लिए। तो आपको मेथी पाउडर अगर आप लेना चाहें तो रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाता है, कोई भी शॉप पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको पर्पल पे इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मेथी के दाने जो हमारे किचन में होता है बस उसी को पाउडर बना लेना, बस हो गया। मेथी दाने मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम और बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, खाली हो चुका है। मैं अपने बालों वालों कुछ नहीं करती थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ये झड़ रहे हैं तो ध्यान देना पड़ रहा है ना। अच्छा, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो अभी जो मैंने उस, आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने हिमालय का हेयर क्रीम मंगाया, प्रोटीन हेयर क्रीम, बट अभी उसको मैंने लगाया नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा लगाने के लिए, और आज फ्राइडे है तो उसको मैं लगाऊंगी संडे को लगाऊंगी या किसी दिन अच्छे से, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मौसम बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ विंडो से, दिख रहा है यहाँ पे देखिए मशीन रखी हुई है, दिख रहा है आपको विंडो से, दिख रहा है मौसम बन रहा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, हो सकता है बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन बारिश के साथ जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक मौसम ठंडा नहीं होगा, है ना, तो वो भी ज़रूरी है। हाँ, बाल सूख भी नहीं पा रहे हैं, पसीने से वापस भीग जा रहा है, ये देखिए आप इसकी शाइनिंग देखिए बाल की, जिसके बाल घने हैं अच्छे हैं वो, उसके बाल तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, सिल्की भी होता है, शाइनिंग भी करता है। और लास्ट में अगर आप एक जग पानी में, एक बाथ वाले जो जग होते हैं उसमें एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर और उसको भर के फिर उसमें पानी लेके आप ऊपर से फिर बालों को लास्ट में जो शैम्पू उनको करने के बाद में आप धो लें, तो उससे भी शाइनिंग बड़ी अच्छी आती है, सिल्की भी होता है, शाइनिंग भी होता है। आज मैंने नहीं किया लेकिन मैं करती हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार, तो इससे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, तो वो भी ज़रूर करें, और फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, ये देखिए, ये आपको दिख रहा मेरा नोज पिन है ना, ये मुझे मिला है गिफ्ट में, और गिफ्ट दी है मेरी सासू माँ ने, अम्मी ने दिया है गिफ्ट मेरे लिए ली थी, और जब मैं कल गई थी तो मुझे मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, जब जितने लोगों ने देखा, मम्मी ने सिस्टर ने, सबको बहुत अच्छा लगा, और फेस भी अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइएगा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कर लो यार सब्सक्राइब, कर लो, क्या जा रहा है सब्सक्राइब करना भाई साहब, कर लो सब्सक्राइब।
साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ में, और इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी, मिनिमम 2 रेसिपीज तो आपको ज़रूर मिलेगी, है ना। तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, और अभी वाला ब्लॉग को भी पूरा देखें और इससे पहले वाले ब्लॉग को भी देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे लगे तो कमेंट्स कीजिए, नहीं अच्छे लगे तो भी कमेंट्स कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो यार, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो सब लोग, और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी नए रेसिपीज़ नए ब्लॉग के साथ। तो तकलीफ बाय, ख्याल रखें आप लोग अपना, अल्लाह हाफिज़।